हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है यहाँ पर, जैसे देखिए इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है वहां पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है लड़के लड़कियां और बच्चे, और यहाँ पर चार डायग्राम दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए यदि कह रहा है कि सी बराबर 3, उसी प्रकार सी ई पी का लिखा है 24, तो उसी प्रकार से कह रहा है एच यू एक्स का मान कितना होगा, यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 235 है दोस्तों, जिसने पार्ट 234 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर जैसे देखिए इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों ए और क्या लिखा है सी, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है सी और एफ, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है एम और लिखा है ओ, और उसी प्रकार से आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि यदि ए से यदि सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, ए बी सी डी में देखना है कि ए के बाद बी और सी, तो यहाँ पर दो लेटर उसने क्या किया दोस्तों प्लस किया है। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एफ पे, यहाँ पर तीन लेटर प्लस किया, देखिए ना सी के बाद डी ई एफ, उसी प्रकार से इसमें आप कर दिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है यानी कि जो काम उधर किए तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दिए, जिससे कि वहाँ पर दो प्लस किए तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों दो प्लस कर देंगे, तो एम के बाद एन और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ, उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों प्लस तीन कर देंगे, जैसे ही तीन करेंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए कि जैसे कि हाँ, तो यहाँ अच्छा अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि कहाँ पर ओ और आर, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए जो काम आप उधर के दो और तीन जोड़े तो वही काम आप इधर करेंगे दो और तीन जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा आपको बताना है। तो आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए बताते हैं हुआ क्या है, यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि हम लोगों का हुआ क्या दोस्तों कि 90 डिग्री जो है घड़ी की दिशा में घुमाना है, यानी कि 90 डिग्री जो है घड़ी की दिशा में क्या करेंगे दोस्तों 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो जैसे ही 90 डिग्री देखिए हम लोग घड़ी की क्या कर देंगे दोस्तों दिशा में घुमाना है, तो देखिए 90 डिग्री यानी कि ये त्रिभुज यहाँ था, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो यानी कि कहाँ जाएगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आ गया, उसी प्रकार फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो नीचे आ जाएगा, फिर 90 डिग्री जब घुमाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कहाँ हो जाएगा यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यानी कि त्रिभुज हम लोगों का कैसा हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर और इस तरीके से हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों एक बिंदा आ जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर
नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है, यानी कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, ई जो होता है यहाँ से यहाँ तक आप जान रहे हैं कि कितना होता है 90 डिग्री, तो वही 90 डिग्री घुमाते जा रहा है तो इस तरीके से जैसे ही घुमा देंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और बीच में इस जगह यहाँ पर बिंदा है तो क्या आ जाएगा, बिंदा आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा गया है। यहाँ पर जैसे लड़के हैं, उसके बाद लड़कियां हैं और बच्चे हैं, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा गलत, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी कि हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग बना लेते हैं, हाँ इस जगह पर बना लेते हैं, देखिए ई हो जाएगा दोस्तों, हम लोग क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। तो लड़के को ऐसे बना लीजिए, इसके अंदर में क्या कर लेंगे दोस्तों, लड़के कर लेंगे। उसी प्रकार से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का लड़कियाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़कियाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से लड़कियाँ बना देंगे और यही हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि एक बड़ा गोला बन जाएगा दोस्तों। और यहां पर क्या लिख देंगे, बच्चे लिख देंगे। बस देखते चलिए आप ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं। और यहां पर ऐसे कर देने के बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यहां से इसको एक बड़ा जैसा आप क्या कर देंगे दोस्तों, गोला इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि बच्चे के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, लड़के और लड़कियां आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है। यहां पर क्या होगा, बच्चे के अंदर में ही लड़के आएंगे और लड़कियां, दोनों अलग अलग है, लड़के अलग होते हैं, लड़कियां अलग होता है, और बच्चे के अंदर में दोनों चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, यहां पर अलग अलग ऑप्शन अलग अलग स्टूडेंट टिक करने लगते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। बस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि बच्चे के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, लड़के और लड़कियां। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो अपने से आप ट्राई कीजिए दोस्तों, आखिर वहां पर क्या आएगा। ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों, वो तरीका आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, देखिए यहाँ सीरीज मतलब चला है, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग 15 कर लेते हैं, थोड़ा सा आप फोल लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जरूर कर लेंगे कि 15, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 17, उसके बाद हम लोगों के सामने 21, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 29, और उसके बाद देखिए यहाँ तो 8 ही नहीं रहा, आखिर अटाएंगे तो अटाएंगे कैसे, यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा। तो देखिए यहीं पर कर देते हैं दोस्तों, यहीं पर कर देते हैं। देखिए कि यहाँ से यदि आप यहाँ पर जा रहे हैं, देखिए 15 से 17 पे जा रहे हैं, तो कितना जोड़ना होगा, तो प्लस कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 2 जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर तरीका को समझिए, 15 2 क्या हो जाएगा, 17। उसी प्रकार 17 से यदि आप 21 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो देखिए 17 यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 4 जोड़ना होगा। सीरीज को आप समझने का, उसी प्रकार से देखिए 21 से यदि आप 29 पे जाएंगे दोस्तों, कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर प्लस कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यानी कि इससे जाएंगे इस पे दोस्तों, कितना जोड़ना होगा। देखिए आप ध्यान से देखते चलिए एक सीरीज कैसे चला है कि इस तरीके से यहाँ पर चलते गया है दोस्तों, इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का क्या जोड़ना होगा। देखिए तो 8 यहाँ पर अगर हम लोग 29 और इधर कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हाँ 16 जोड़ देंगे तो एक क्या बन जाएगा दोस्तों, सीरीज बन जाएगा। देखते चलिए तो क्या अगर यहाँ पर 2 गुना करके जोड़ा है तो मान के लिए 2 4 8 16, तो अगला अगर 32 जोड़ेंगे तो 45 में 32 जोड़ेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस तरीके का ऑप्शन है, नहीं है। तो यहाँ पर इसका अर्थ कितना जोड़ना होगा दोस्तों, ये देखिए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यदि हम लोग इस जगह पर 14 रख देते हैं और यहां से इधर के ऐसे करके एक सीरीज बना लेंगे, यहां पर कितना जोड़ देंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। तो देखिए दुगुना करके हुआ है कि नहीं, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, इस तरीके से किया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दुगुना करके जोड़ते गए, 1 में 2 से गुना कर देंगे 2, फिर 2 में 2 से गुना कर देंगे 4, 4 में 2 से गुना कर देंगे 8, 8 में 2 से गुना कर देंगे 16। तो इस तरीके से जोड़ा था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि चार गुना यदि चार आप करेंगे तो छः आ जाएगा, उसी प्रकार छः गुना छः करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, सात गुना सात करेंगे तो 39 हो जाएगा, तो पाँच गुना पाँच कीजिएगा तो क्या होगा। यही बात आपको बता सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने क्या किया है कि देखिए चार गुना चार को छः कैसे लिखा है, देखिए चार गुना यदि चार कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि चार गुना चार करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यही 16 में उसने क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का देखा जाए, यानी कि चार गुना चार करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 में उसने क्या किया दोस्तों 6 घटा दिया है। जैसे ही 16 में कितना घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का इसको नीचे ही लिख देते हैं ताकि यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों जगह, चार गुना चार करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में जैसे ही आप 10 घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप कर दिए दोस्तों, आप निसंदेह कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से देखिए 6 गुना 6 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, तो 36 में जैसे ही आप 10 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर 26 लिखा है कि नहीं लिखा, आप ध्यान देते चलिए और करते चलिए। उसी प्रकार से देखिए 7 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो 49 में जैसे ही 10 घटा देंगे तो आप 49 में जैसे ही यहां पर क्या करेंगे दोस्तों 10 घटा देंगे, तो जैसे ही 49 में 10 घटाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो वही तो लिखा है यहां पर 10 घटा दीजिए दोस्तों और लिख दीजिए 39, तो देखिए यहां पर 39 लिखा है कि नहीं, तो जिसका निकालना है यानी कि हम लोगों को निकालना है दोस्तों इस संख्या का पांच गुना पांच का, तो यहां पर आप निसंदेह क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर कर देंगे पाँच गुना क्या कर देंगे दोस्तों पाँच, तो पाँच है क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो कर लीजिए 25, आप 25 में जैसे ही आप 10 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, गुना कर लिया है और 10 घटा दिया है तो तभी आया है, गुना करके 10 घटा दीजिए, गुना करके 10 घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा कैसे करेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यदि सी बराबर 3 है, सी ई पी को लिखा है 24, तो उसी प्रकार एच यू एक्स को कितना कितना होगा, उसका मान पूछा जा रहा है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए आपको यहां पर बताते हैं करना क्या है और कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने सी बराबर क्या लिखा है 3, तो कैसे सी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 3 होता है, उसी प्रकार से यहां पर लिखा है देखिए सी ई और क्या लिखा है दोस्तों पी, इसका मान कितना लिखा हम लोगों का 24, तो कैसे 24 हुआ। देखिए उसी प्रकार से हम लोगों के सामने किसका पूछा जा रहा है दोस्तों एच यू और क्या एक्स बराबर क्या है वाट है, इसका निकालना है, तो आप निसंदेह निकाल सकते हैं क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ये देखिए ध्यान से कि सी का स्थान तो आप जानते हैं 3 होता है, प्लस ई का स्थान एबीसीडी में कितना होता है 5 होता है, प्लस पी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 16, तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा ये देखिए 5 3 8, तो 16 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो वही तो लिखा है। उसी प्रकार से देखिए एच का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 8 होता है, यू का स्थान एबीसीडी कितना होता है तो U का 21 होता है, उसी प्रकार से X का स्थान कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 24 होता है, तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ लीजिए दोस्तों 21 8 29 और यानी कि अगर यहां पर देखा जाए हम लोग जोड़ लेते हैं तो 8 1 9 4 13 हाँ तो 53 हो जाएगा। इसको जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कि इधर 4 1 5 8 5 13 करीब 3 हासिल रहा हम लोगों का एक, इधर हो जाएगा एक और इधर दो दो चार एक पांच, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 53। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका को समझना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि ए जो है बी का भाई है तो कर दीजिए दोस्तों जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर दीजिए, यानी ए जो है इस जगह पे कर देते हैं, यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों का किसका है, यानी कि कह रहा है ए जो है बी का क्या है दोस्तों भाई है, तो यहाँ पर कर लेते हैं ए जो है बी का क्या भाई, अब पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे, सी जो है ए की माँ है, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा इस जगह बना लेते हैं सी जो है ए की क्या है दोस्तों माँ है, तो माँ है यानी महिला जेंडर है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दे। उसी प्रकार से फिर आगे कह रहा है डी जो है सी का पिता, देखिए डी जो है हम लोगों का सी का क्या है दोस्तों पिता है, तो पिता है तो पुरुष जेंडर है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहां तक कर लिया। उसके बाद देखिए बी जो है डी का क्या है दोस्तों नातिन है,
यानी हम लोगों का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बी जो है इसका क्या है दोस्तों, नातिन है, यानी कि नातिन का मतलब यानी कि महिला जेंडर है दोस्तों। देखिए एक नाती होता है एक नतनी होता है, तो वही लिखा है यहाँ नातिन, तो नातिन का मतलब यानी कि महिला जेंडर के लिए है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि नातिन महिला जेंडर के, एक नाती होता है एक नातिन लिखा है, तो यहाँ महिला जेंडर हो गया। उसके बाद क्या आगे लिखा है, बी एफ से क्या रिश्ता है, जो ए का पुत्र है, यानी बी क्या पूछा दोस्तों, बी का एफ से क्या रिश्ता, इधर कैसे घुमाया, बी से एफ का क्या रिश्ता है, जो हम लोगों का क्या दोस्तों, ए का पुत्र है, तो जो किसके लिए आता है, दूसरे के लिए आता है, यानी एफ जो हो जाएगा दोस्तों, एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का क्या है दोस्तों, पुत्र है। वहां बोला है देखिए बी का एफ से क्या रिश्ता है, जो, तो जो यानी ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन है, एफ है, तो बी से पूछा जा रहा है, तो बी का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए और बी क्या है, भाई बहन है, तो इसका कौन हो जाएगा, यानी बी और एफ के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, बुआ हो जाएगा। देखिए ना, ए और यानी कि बी बहन है ए का, यानी ए का क्या है दोस्तों, बहन है, तो इसका ए का ई कौन है, बेटा है, तो इसका ई कौन हो जाएगा दोस्तों, अब बुआ हो जाएगा, या बेटी रहे या बेटा रहे उससे मतलब नहीं, दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बुआ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस तरीका को समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, वहां पर साफ साफ पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे दोस्तों, महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे, बस आपका आंसर। और जो वर्ड जो आया यहां पर, जो ये जो देख रहे हैं दूसरे के लिए आया, इस जगह पर ये जो जो लिखा है, जो ए का पुत्र है, यानी ऐप जो है दोस्तों, ऐप से क्या रिश्ता बी का, जो ए का, तो यही नहीं, ऐप जो है ए का क्या है दोस्तों, पुत्र है, ये भी बात क्लियर कर दिया है कि ए का पुत्र है, तो ये पुरुष जेंडर एकदम क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है, कभी बनाया जा सकता है, तो किसमें खोजेंगे, इसी में, जैसे ये देखिए एस उसके बाद टी, तो टी कहीं नहीं आए, तो ई तो हम लोगों को बनाया नहीं जा सकता, आर ई, मतलब देखिए आर भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, सी ओ भी, उसके बाद देखिए ई, तो ई देखिए यहाँ डबल बार आ गया, ई भी नहीं बनाया जा सकता है, ई यहाँ क्या आ गया दोस्तों, दो बार आ गया, जबकि ई वहाँ पर एक ही बार है, तो ई भी नहीं बनाया जा सकता है। देखते चलिए आप ध्यान से, उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का आर ओ आर, तो आर देखिए इसमें भी क्या आ गया दोस्तों, दो बार आ गया, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, एक ही प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका फोर क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। देखिए डी उसके बाद ई उसके बाद सी, तो डी ई, ई भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, वाई, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि फोर ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसमें एक एक लेटर आपको चेक करना होता है कि कौन कौन मिल रहा है, जो जो यानी कि उस समय देखिए दो बार कहीं कहीं ई दो बार था, तू नहीं वहां मिल रहा है, आर दो बार है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर का देखिए सारा चीज मिल गया, तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यहां पर क्वेश्चन मार्क यहां पर हल्का सा आपको दिख रहा होगा, इधर ध्यान से देखिए उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है, तो आप भरिए कि आखिर कौन सा ऑप्शन उस जगह पर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप निसंदेह कर लेते इस प्रश्न का आंसर, इधर आखिर कौन सा भरा जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि ऊपर में जब आप गौर कीजिएगा, जो अंडरलाइन कर रहे हैं देखिए वहाँ पर कैसा, इधर से है, बीच में है, एक इधर से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों का यानी कि यहाँ पर कैसे क्या दोस्तों, इधर से, तो एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से इधर से हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा दोस्तों इस तरीके से बाहर में निकाल के बता रहे हैं कि इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर दो में है, ना कि ऑप्शन नंबर एक होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि दो नंबर इस जगह पर क्या भरेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोगों का कैसा है दोस्तों, यानी कि यहां पर इधर से किया है, उसके बाद इधर से किया, उसी प्रकार से यहां पर इधर से किया, तो अगला हम लोगों का किधर से होगा, इस तरीके से होगा, तो इस तरीके ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। डैश 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 इस जगह पर क्या भरेंगे, वही बात आपको बताना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को कैसे करते हैं, ये देखिए हम आपको बताते हैं, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया, पी उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू है, उसके बाद एस है, उसके बाद पी है, डैश डैश उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों, क्यू, और यहाँ पर डैश, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू, और क्या लिखा है दोस्तों, एस। तो देखिए टोटल कितना लेटर और डैश है, यही बात आपको काउंट करना है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह
और 15 16, तो 16 है तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी 16 को 2 × 8 में तोड़ सकते हैं या 4 × क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि दो दो को लेकर सीरीज देखेंगे, मान के चलिए यहाँ पर 2 को कर देते हैं और यहाँ पर 2 को कर देते हैं और यहाँ पर 2 को कर देते हैं, तो पी एस अगर 2 को पहले लेकर देख लेते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर 2 को और इसी जगह 2 को, तो हम लोगों का देखिए यहाँ पर अगर पी आर उसके बाद हाँ तो लग रहा है कि यहाँ भी बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, ये देखिए बन गया ही कि पी, और हम लोगों को यहाँ कैसे पता चला कि पी के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों की देखिए पी है और पी के बाद यहाँ से पता चला, इस जगह देखिए पी और आर है, यहाँ से देखे और हम पता किए कि आखिर वहाँ क्या बनेंगे, पी और आर है, पी के बाद आर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर क्या करेंगे आर भर देंगे, तो पी आर उसी प्रकार क्यू एस, पी आर उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा क्यू एस, उसी प्रकार से पी आर यहाँ पर हो जाएगा क्यू एस, पी आर क्यू एस, देखिए एक सीरीज बन गया पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, तो आप क्या क्या भरे, तो ये देखिए आर भरे, आर भरे, क्यू भरे और क्या भरे दोस्तों एस भरे, तो कहां मिल रहा है डबल आर जल्दी से देखिए और क्यू एस, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना, अगर दो दो से नहीं होता तो फिर आप चर-चर लेकर देखिए, चर-चर से भी बन जाएगा, देखिए कि सीरीज जो है चार चार भी कीजिएगा तो आपका सीरीज बनेगा दोस्तों इस तरीके से पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, चर-चर से भी आपका सीरीज बन जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो से, चर-चर से कभी कभी बहुत सारा रूल लग गए और आंसर वही निकलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान, 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वो बात बताना है। तो देखिए यहाँ पर बैंकॉक हो गया, उसके बाद हम लोगों का रंगून हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने काबुल हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का राजधानियाँ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये सभी हम लोगों का क्या है राजधानियाँ है, और यहाँ पर देखिए जिहाद जो लिखा है दोस्तों ये राजधानी नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए आप बैंकॉक, बैंकॉक आप जान रहे हैं दोस्तों कि बैंकॉक हो गया, उसके बाद थाईलैंड की राजधानी कहां हो जाएगा बैंकॉक, आप अफगानिस्तान का काबुल, उसी प्रकार से म्यांमार जो बर्मा था उसका कहां हो जाएगा दोस्तों रंगून, तो इस तरीके से ये सभी हम लोगों का क्या है राजधानियां है, लेकिन जेद्दाह जो लिखा है दोस्तों वो राजधानी में नहीं आएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही है। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान, 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहां पर अलग हो जाएगा, बाकी सभी राजधानियां हैं लेकिन ये राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि आखिर ये वाला फिगर यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला फिगर आ रहा है, ये वाला फिगर, कौन सा फिगर यहाँ पर, वही कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है, तो जल्दी से आप देखिए दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का यहाँ पर होगा, तो हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से दिखाते हैं कि कौन सा होगा, आप जरूर वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे, ये देखिए यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे दोस्तों और इस तरीके से हम ले लेते हैं, उसी प्रकार से ईद के यहां पर कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि कौन सा होगा, ईद के यहां से दोस्तों इधर से और इस तरीके से ईद के, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि और वहां भी देखिए बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि यही वाला, ईद के यहां से इधर से और इधर से और इस तरीके से ईद के, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, वही कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है, तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा देखिए हूबहू वहां पर दिख रहा है, देखिए ना कैसे नहीं आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये देखिए इस तरीके से किए हैं और इस तरीके से किए हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा हूबहू बन रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और यही वाला आकृति उल्टा पुल्टा के देखिए आगे आगे से भी दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है, हर जगह से दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर हम लोगों का डायरेक्शन यानी दिशा से दिया है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए राम कह रहा है कि बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या होता है दोस्तों पूर्व होता है, इसके अपोजिट में क्या होता है हम लोगों का पश्चिम होता है, और जस्ट इसके ऊपर क्या ले लेंगे दोस्तों उत्तर ले लेंगे, और नीचे हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों दक्षिण ले लेंगे, इतना बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि डायरेक्शन, देखिए ना अभी बता रहे हैं कि इधर जो तीर दिए ये पूरब हुआ, इसके अपोजिट ये पश्चिम हुआ, ऊपर में जो है उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण, अब चल दीजिए जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा आप कर दिए, तो कह रहे हैं राम बिंदु ए से चलना उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, इसके बाद वो बाएं मुड़ता है, यानी कि हम लोगों के सामने देखिए इस तरीके से प्रश्न होगा दोस्तों, यानी कि
हाँ यहाँ से ले जाते हैं इस जगह से, इस जगह से देखिए यहाँ पे जगह है, तो यहाँ से उत्तर की ओर हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर चला। उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए उत्तर की ओर जा रहे हैं तो दायां इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अच्छा तो थोड़ा ऊपर से लेते हैं ताकि आप बनने में सुविधा हो, इस जगह से लेते हैं दोस्तों, इस जगह से। हाँ तो यहाँ पर 6 किलोमीटर, इसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं दोस्तों, 8 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर कह रहा है कि वो हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ से मुड़ेगा दोस्तों 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा हम लोगों का 12। लेकिन साफ साफ बोला पहले 6 किलोमीटर चला उत्तर, उसके बाद हम लोगों का बाईं ओर, तो उत्तर की ओर गए तो देखिए दायां हाथ किधर है, बायां हाथ किधर है। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर आए तो इधर बायां किधर हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, तो कह रहा है बाईं ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो अब बिंदु बी पर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों बिंदु, और यहाँ से ए से चला था, यानी बिंदु ए से चलना और बिंदु बी पर पहुंच गया। तो कह रहा है राम की, राम कौन सी दिशा में है, तो राम अभी जो है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला कौन दिशा होगा, दक्षिण होगा। तो वही कह रहा है कि बताइए बिंदु बी पर वह राम अभी कौन दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए, और कह रहा है कि एक आयत और एक त्रिकोण और उसके नीचे लिखे प्रश्न दिया गया। यहाँ पर बोल दिया है दोस्तों कि आरेख का अध्ययन कीजिए जिसमें एक वृत्त है, उसके बाद तो वृत्त आप जान रहे हैं कि इसमें कौन सा है वृत्त है, इसमें दिक्कत क्या है, आप तो जान ही रहे हैं कि इसको बोलते हैं हम लोगों का वृत्त। उसके बाद एक आयत है, तो आयत कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्या है दोस्तों हम लोगों का आयत है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, और इसको तो आप जान रहे हैं कि हम लोगों का वो क्या है दोस्तों त्रिभुज है, इसको यहाँ पर कर देंगे हम लोग त्रिभुज कर देंगे। यहाँ पूछा क्या है प्रश्न, ये देखिए नीचे दिए गए में से कौन सा जो कि हम लोगों का आरेख, नीचे दिए गए वक्ता में कौन सा आरेख के अनुसार सही है, कह रहा है कि ए और बी तीनों आकृति में, तो ए और बी क्या तीनों आकृति में, गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए ई सी बी तीनों आकृति में, ई भी नहीं है तीनों आकृति में, ई भी नहीं है तीनों आकृति में, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, बी जो है, ये देखिए ये जो बी देख रहे हैं, बी जो है वो तीनों आकृति में है, यानी त्रिभुज में भी है, आयत में भी है और वर्ग में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, एकदम लिख दिया है इस तरीके से, लगेगा कि कर पाएंगे नहीं, लेकिन आप एक बार अगर आप समझेंगे तो आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न, केवल बी जो है तीनों आकृति में, देखिए बी जो है वर्ग में भी, आयत त्रिभुज में, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्ष, देखिए करा कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी जो है, करा कि निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है, यानी शिक्षित लोगों में जो है दोस्तों बेरोजगारी जो है निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। तो देखिए कह रहा है शिक्षा द्वारा व्यक्ति उपयोग रोजगार प्राप्त करने की सक्षम करा कि कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। देखिए वक्ता में लिखा है कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी जो है निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है, तो कह रहा है कि हम लोगों के सामने शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। कह रहा है कि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले घटिया दर्जे का ये सब तो कहीं है ही नहीं, कर्म वहाँ पे देखिए शिक्षित लोगों के बारे में है और शिक्षा द्वारा वहाँ पर रोजगार के बारे में परिणाम इस तरीके से दिया है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, सही होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, आप अच्छे से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। वहां पर कह रहा है शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है, तो कह रहा है शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, दूसरा हो ही नहीं सकता, इधर के घटिया दर्जे का काम ये सब तो कहीं है ना, तो केवल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर केवल 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है कि पेपर को मोड़ने कट करके खोलने पर कैसा दिखाया था, अब बता भी दिया है कि पेपर कैसे कैसे मोड़ा गया है, ये भी बात बताया। देखिए तो जैसे ही पेपर को यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि पेपर को जैसे ही मोड़े हैं तो इसको खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा होगा, ये बता दिया कि पहले आधा भाग मोड़िए, उसके बाद यहाँ मोड़ दीजिए, मोड़ने के बाद यहाँ पर मोड़ दीजिए और इस तरीके से करके अब खोलना है, तो जैसे ही खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर खोलेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, उसी प्रकार से जब इधर खोलेंगे दोस्तों ये देखते चलिए कि यहाँ पर तो 1 भाग वो मोड़ के दिखा रहा है कि 1 भाग है, तो इसको यहाँ पर खोलेंगे तो ये भाग हो जाएगा,
यानी कि इस जगह पर खोल के दिखाते हैं, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर। बड़ा जैसा कर लेते हैं दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर फोल्डिंग वाले प्रश्न इस तरीके से पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, मान के चले कि वो एक कोना पर दे दिया है, तो एक कोना पर दे दिया है, यानी कि हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों कि इस तरीके से क्या, और यहाँ पर एक बिंदा दिया है। तो जब इसको खोलेंगे तो एक बिंदा यहाँ पर आ जाएगा, उसी प्रकार से जब इसको खोलेंगे दोस्तों कि यहां से हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा, इधर भी हो जाएगा, हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, दो को बिंदा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर जब खोलेंगे दोस्तों तो इधर से आ जाएगा, एक बिंदा हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहां पर खोलेंगे तो एक बिंदा इधर से हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई जैसे है तो इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर चला जाएगा ई, फिर इधर चल जाएगा एक, और फिर हम लोगों का देखिए ना इस तरीके से एक यहां पर बनेगा, यानी कि यहां पर इस तरीके से, और उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और बिंदा को थोड़ा सीधा हम लेने के बाद करेंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पहले आप देखिए कि इसको खोलेंगे तो हम लोगों का इसी तरीके बिंदा ही खाली अगर खोलेंगे ना तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। देखिए इसको जब खोलेंगे तो इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से करेंगे, करते चलेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जैसे इसको खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर, उसी प्रकार से यहाँ पर जब खोलेंगे दोस्तों इस जगह पर आएगा और एक बिंदा इस जगह पर आएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो एक बिंदा इस जगह पर इस जगह, तो चार बिंदा सीधा में देखिए ऑप्शन नंबर दो, और एक बिंदा ऊपर जाएगा तो इस तरीके से, और यहां पर एक ऊपर में आकृति ऐसे बना है तो आकृति बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जब खोलेंगे तो खोलेंगे आकृति, यहां पर देखिए एक आकृति हुआ, इसी प्रकार से ऊपर में एक आकृति बनेगा ना, वो इंडिकेट करके तो बता रहा है कि ऐसे ऐसे मोड़े गए हैं, तो आप कहीं नहीं समझ रहे फिर इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।